जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो ध्वज फहराने के जो नियम हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि ध्वज किस प्रकार फहराएंगे और किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे अपने ध्वज को फहराने के बाद। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। और साथियों, हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोरों पर चल रहा है पूरे भारत में और इसे बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। चलिए ध्वज फहराने संबंधी नियम निम्नलिखित कुछ सावधानियां बरतें हैं, यानी जब आप ध्वज फहराएंगे उसके लिए आप कुछ सावधानियां बरतनी हैं। चलिए बताते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ध्वज फहराने के साथ साथ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में दिनांक 13/8/2022 से 15/8/2022 तक घरों पर तिरंगा फहराना, यानी 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगे फहराने के साथ साथ क्या आपको सावधानियां बरतनी है अपने भारतीय तिरंगा को लेकर। सबसे पहला, तिरंगा झंडा कटाफटा ना हो। यदि आपने तो कोई तिरंगा झंडा लगा रखा है उसमें किसी प्रकार का कटाफटा नहीं होना चाहिए। अगर तिरंगा झंडा आपका फट रहा है तो उसके स्थान पर दूसरा तिरंगा झंडा लगा दें। ध्वज दंड सीधा और मजबूत हो, यानी आपका जिसमें ध्वज लग रहा है वो डंडा सीधा होना चाहिए और मजबूत। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग क्रम का ध्यान रखें। केसरिया रंग ऊपर हो, जो आपका केसरिया रंग है वो सबसे ऊपर आएगा। ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ न हो। ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब आप ध्वज फहराएंगे उस पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर न हो, यानी जब आपका कोई तिरंगा झंडा लग रहा है उसके बराबर में आप कोई भी अन्य झंडा नहीं लगाएंगे, या ना तो उसके ऊपर ना ही उसके बराबर में। किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर न हो। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे उधर इधर उधर सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। जब आप ध्वज फहरा दें उसके बाद आप ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारें और उसकी तय बनाने के बाद आप अपनी अलमारी में सबसे ऊपर रखें जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें। सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए। साथियों, ये जो आप झंडा फहराएंगे उससे संबंधित नियम हैं। यदि साथियों, एक आपसे गुजारिश है, यदि अपना भारतीय झंडा कहीं भी आपको मिले, क्योंकि इस टाइम हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हर घर में तिरंगा लग रहा है और किसी हवा चलने के साथ वो झंडा निकल जाता है, जो हम डंडे में लगाते हैं कभी कभी वहाँ से निकल जाता है। यदि साथियों आपको वह झंडा कहीं रास्ते पर मिले तो आप उसे सम्मान के साथ अपने घर ले जाएं और उसे रखें। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए साथियों, यहीं तक, धन्यवाद।